अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का डिजाइन कार्डिगन पैटर्न है। इस डिजाइन को आप गर्ल्स, बॉयज या जेंट्स किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस डिजाइन में हमने पीछे 130 फंदे डाले हैं और इसके फ्रंट में दोनों तरफ हमने 60+10 और 60+10 फंदे डाले हैं। 10 फंदों की बटन पट्टी है। आज के डिजाइन में हमने बबल डिजाइन और जाली डिजाइन दोनों को यूज किया है। इस डिजाइन के सैंपल का लुक बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है। आज का डिजाइन हमने आपको दो पार्ट्स में बना के दिखाया है। पार्ट ए में इसके नीचे का हिस्सा है और पार्ट बी में इसके ऊपर का हिस्सा है। आज का डिजाइन हमने आपको 37 फंदों पर डाल के दिखाया है और पार्ट ए आपका 1 से लेके 8 सिलाई तक बनेगा और पार्ट बी आपका 9 से लेके 16 सिलाई में बनेगा। और जैसा आप जानते हैं, आज का डिज़ाइन हमारा रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आपके पास भी कोई डिज़ाइन है और आप चाहते हैं उस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल हम आपको बना के दें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, उस पर जाकर के आप आपके डिज़ाइन हमें मेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के डिजाइन ही फीचर करते हैं। दूसरी बात, एक सब्सक्राइबर एक ही डिजाइन भेजे, उससे ज्यादा ना भेजे। तीसरी बात, क्लियर पिक्चर भेजे, बिल्कुल भी ब्लर पिक्चर ना भेजे। चौथी चीज, किसी भी दूसरे यूट्यूबर की पिक्चर या लिंक हमें ना भेजे। और आखिरी चीज, आपके डिजाइन हमारे ईमेल आईडी पर ही भेजे, कोई भी फेसबुक मैसेंजर पे अपने डिजाइन ना भेजे। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। इस डिजाइन के पार्ट ए की पहली सिलाई पे हम आ गए हैं। ये सिलाई हम सीधी बुन रहे हैं। सबसे पहले एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद ऊन आगे लाके दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे से। इसके बाद 9 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप आज के वीडियो को बनाने में इंटरेस्टेड है तो आप ट्राई करिए कि आप वीडियो के साथ साथ में ही इस डिजाइन को बनाते जाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। देखिए, इस तरह से 9 फंदे सीधे बुनने के बाद इसके बाद हम ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे। उसके बाद जो बिना बुने फंदा था उसको बुने हुए फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। यानी हमने इधर 3 फंदों का एक फंदा किया है, एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया, एक फंदा अब हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम वापस 9 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। देखिए, इस तरह से 9 फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद हम वापस से वही करेंगे। ऊन आगे लाए, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर दो फंदों का एक फंदा कर दिया और बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर वापस ऊन आगे लाके 9 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से 9 फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। यहाँ पे हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई। दूसरी उल्टी सिलाई हमें प्लेन उल्टी बुननी है। इसमें हमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना। इस सिलाई के जैसे आपको पार्ट ए की चौथी सिलाई, छठी सिलाई और आठवीं सिलाई बुननी होगी और पार्ट बी की 10वीं सिलाई, 12वीं सिलाई, 14वीं सिलाई और 16वीं सिलाई बुननी होगी। एक बात का ध्यान दें, जो पहली सिलाई में हमने जाली के फंदे बुने थे वो भी हमें दूसरी सिलाई में प्लेन उल्टे बुनते जाने हैं। हम अब तक निटिंग की 123 डिजाइन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने बाय मिस्टेक कोई भी डिजाइन मिस कर दिया है तो सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन पे जाकर के आप सारे डिजाइन को देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो उनके लिए भी हमने प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर रखी है। गर्ल स्वेटर डिजाइन अलग, बॉयज, जेंट्स, किड्स, सबके स्वेटर डिजाइन अलग अलग हैं, तो आप उस पे जाकर के अपने डिजाइन को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से वीडियोस अपलोड करेंगे, तो हमारे फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल को ज़रूर लाइक करें। उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। इस तरह से हमारी दूसरी उल्टी सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। सबसे पहले 3 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद हम 3 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से 3 फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद इन दो फंदों का हम एक फंदा कर देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और जाली डालने के बाद 4 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे।
देखिए, इस तरह से चार फंदे बुनने के बाद हमारी जाली आ गई है, तो हम ऊन आगे लाएंगे और पीछे से दो फंदों का एक फंदा। इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करने के बाद तीन फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। देखिए, इस तरह से तीन फंदे सीधे बुनने के बाद हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे, उसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे। इसके बाद पांच फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से पांच फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके दो फंदों का एक फंदा पीछे से करेंगे। अब प्लीज एक बात का ध्यान दें, इस डिजाइन में आपको ध्यान रखना है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जाली जा रही है उसे हमें पीछे से बुनना है, और जो हमारी राइट हैंड साइड पे जाली जा रही है उसे हमें आगे से दो का एक करना है। इसके बाद तीन फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से तीन फंदे बुनने के बाद ध्यान दीजिए, हमारी जाली राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, इसका मतलब हमें दो का एक आगे से करना होगा। फिर ऊन आगे लाके तीन फंदे प्लेन सीधे बुन देंगे। इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट होती है। चौथी सिलाई हमें दूसरी सिलाई की जैसे उल्टी बुननी होगी। अब हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। सबसे पहले तीन फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से तीन फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद तीन फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से तीन फंदे सीधे बुनने के बाद हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे से। फिर ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फिर पांच फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से पांच फंदे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा पीछे से करेंगे। इसके बाद तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद दो फंदों का एक फंदा करेंगे। दो फंदों का एक फंदा करने के बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद चार फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से चार फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद तीन फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से तीन फंदे बुनने के बाद हम दो फंदों का एक फंदा आगे से करेंगे। फिर जाली आ गई है तो ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और दो फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से फिफ्थ सिलाई कंप्लीट करके सिक्स सिलाई आपको सेकंड सिलाई के जैसे बुननी होगी। अब हम आते हैं सेवन सीधी सिलाई। इसमें शुरू के चार फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से चार फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करने के बाद अगले फंदे पे हम बबल बनाएंगे। बबल बनाने के लिए एक फंदा बुनेंगे, फंदे को उतारेंगे नहीं। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदे के तीन फंदे हमने कर लिए। देखिए, फिर ऊन आगे लाके एक फंदे के पांच फंदे हमने कर लिए। अब ध्यान दीजिए, इस फंदे को हम अब उतार देंगे। इसके बाद हम सिलाई को पलटेंगे और ये जो पांच फंदे हमने बुने थे इन पांच फंदों को हम उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। और अगर आप बबल डिजाइन को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ऊपर राइट हैंड साइड पे देखिए, डिजाइन नंबर 96 हमने पूरा बबल डिजाइन का बनाया है, उस पे जाकर के आप इस डिजाइन को सीख सकते हो। अब देखिए, इस तरह से पांच फंदे बुनने के बाद हम वापस से सिलाई को पलटेंगे और पांच फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से पांच फंदे सीधे बुनने के बाद हम वापस से सिलाई को पलटेंगे और इसे वापस उल्टा बुनेंगे। ध्यान दीजिए, हम इसे चौथी बार बुन रहे हैं। आप जितना मोटा बबल चाहें उतनी बार इसे बुन सकते हैं। हमने इन पांच फंदों को चार बार बुन लिया है, दो बार सीधा दो बार उल्टा। इसके बाद अब हम सिलाई को पलटेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ऊन को हम इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरे फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर तीसरे फंदे को भी पहले के ऊपर से उतार देंगे, चौथे को भी पहले के ऊपर से उतार देंगे और पांचवें फंदे को भी पहले के ऊपर से उतार देंगे। फिर बबल को सीधे हाथ की सिलाई पे लेने के बाद दो फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर ऊन आगे लाके सात फंदे प्लेन सीधे बुन लेंगे। इस तरह से सात फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे के तरफ से। अब हम वापस बबल बनाएंगे अगले फंदे पे। इसके लिए हमने एक फंदा बुन लिया, फिर ऊन आगे लाके इस फंदे को वापस से बुन लिया, यानी कि एक फंदे के तीन फंदे हो गए। अब वापस ऊन आगे लाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे, यानी कि हमारे एक फंदे के पांच फंदे हो गए।
इसके बाद हम सिलाई को पलटेंगे और इन पांचों फंदों को पीछे से उल्टी तरफ से उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद हम वापस सिलाई घुमाएंगे और सीधी तरफ से इन पांच फंदों को सीधा बुन देंगे। इस तरह से पांच फंदे सीधे बुनने के बाद हम वापस सिलाई को पलटेंगे और उल्टी तरफ से इन पांच फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम इस बबल को चार बार बुन चुके हैं, दो बार आगे से और दो बार पीछे से। अब हम वापस सिलाई घुमाएंगे और फंदों को उतारेंगे। सबसे पहले सेकंड फंदे को पहले फंदे के ऊपर से उतारेंगे, फिर तीसरे फंदे को उतारेंगे, फिर चौथे फंदे को उतारेंगे और फिर पांचवें फंदे को उतारेंगे। ऐसा करने से हमारे पास एक फंदे का एक फंदा रह गया और हमारा बबल बनके रेडी हो गया। बबल बनने के बाद ध्यान दीजिए, हमारी जाली आ रही है, यानी कि हमें दो फंदों का एक फंदा करना होगा। इस तरह से दो फंदों को एक साथ बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और सात फंदे प्लेन सीधे बुन लेंगे। इस तरह से सात फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे और पीछे से इन्हें बुन देंगे। अब इस फंदे पे हमने वही स्टेप्स फॉलो करके बबल बनाया है। अब जाली आ गई है तो अब हम दो का एक करेंगे पीछे से। फिर हमारी जाली आ गई है तो ऊन आगे लाके जाली डाली और बाकी के बचे हुए फंदे प्लेन सीधे बुन दिए। आठवीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी बुननी होगी। आठ सिलाई के कम्प्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो इस तरह से आ रहा है। हमने तीन बबल्स आपको बना के दिखा दिए। आगे आपको आठ बबल्स और बनाने होंगे। इस स्वेटर में टोटल 11 बबल्स की लाइन है। ध्यान दीजिए, इस पैटर्न में हमने बटन पट्टी अलग से उठा के बनाई है। आप चाहें तो इसमें 10 फंदे और जोड़ सकते हैं। बटन पट्टी के साथ में हमें बबल की लाइन भी देनी पड़ेगी। अब आगे आपको एक सिलाई से रिपीट करना होगा। 11 बबल्स की लाइन तक आपको एक से लेके आठ सिलाई को रिपीट करना होगा। अब हम आते हैं पार्ट बी पर। नवी सिलाई हमें प्लेन सीधी बुननी होगी। सबसे पहले एक फंदा प्लेन सीधा बुन लिया, फिर ऊन आगे करी, फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से। इसके बाद नौ फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। ध्यान दीजिए, जो नवी सिलाई के शुरुआत के 10 फंदे हैं, वो पहली सिलाई के शुरुआत के 10 फंदों के जैसे ही हैं, सेम टू सेम। इस तरह से 9 फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके दो फंदों को हम उतारेंगे। पहले फंदे को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और दूसरे फंदे को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे और इन दोनों फंदों को आगे से दो का एक करेंगे और दूसरे फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर ऊन आगे लाके दो फंदों का एक फंदा कर देंगे पीछे से। ध्यान दीजिए, हम फंदे इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि नीचे हमें फ्रॉक का शेप देना था, इस वजह से हम ऊपर फंदों को कम कर रहे हैं। फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर ऊन पीछे ले जाके दो फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर वापस ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर ऊन पीछे ले जाके दो फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर देखिए, ऊन आगे लाए, एक फंदा उल्टा बुना, फिर ऊन पीछे ले गए और दो फंदों का एक फंदा कर दिया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगे आपको इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना है। यानी हमें हमारी बची हुई 9th सिलाई इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बुननी होगी। यानी कि ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुना, फिर ऊन पीछे ले जाके दो फंदों का एक फंदा कर दिया। और देखिए, इस तरह से नवी सिलाई हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 10वीं सिलाई आपको पार्ट ए की दूसरी सिलाई के जैसे प्लेन उल्टी बुननी होगी। 10 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो इस तरह से आ रहा। ध्यान दीजिए, पहले हमारे पास 37 फंदे थे, अब हमारे पास 27 फंदे बचे हैं। अब हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। सबसे पहले इसमें हम दो फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। दो फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद ऊन आगे करके दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद हम पांच फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। ध्यान दीजिए, शुरुआत की 11वीं सिलाई हम तीसरी सिलाई की जैसे शुरुआत करी थी वैसे बुन रहे हैं। और पांच फंदे सीधे बुनने के बाद छठे और सातवें फंदे को हम दो का एक कर देंगे। फिर ऊन आगे लाके हमारी जाली आ गई है। जाली डालने के बाद
एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। और हमारी आगे की बची हुई 11वीं सिलाई को हम इसी तरह से रिपीट करेंगे, यानी कि एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। आप 11वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली काफी सिलाइयों में मैं आपको 11वीं सिलाई का रेफरेंस दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी 11वीं सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। 12वीं सिलाई आपको पार्ट ए की दूसरी सिलाई के जैसे प्लेन उल्टी बुननी होगी। 12वीं सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। इसमें सबसे पहले तीन फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। तीन फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद हमारी जाली आ गई है, तो ऊन आगे लाके हम जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद हम तीन फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। तीन फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद चौथे और पांचवें फंदे को हम दो का एक करेंगे। फिर हमारी जाली आ गई है, तो ऊन आगे लाके हम जाली डालेंगे, फिर दो फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से दो फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके उल्टे फंदे पे हम उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे पे हम सीधा बुनेंगे। यानी ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुना, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुना। जैसे हमने 11वीं सिलाई रिमेनिंग 11वीं सिलाई को कंप्लीट किया था, उसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट करेंगे। 14वीं सिलाई हमें दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी बुननी होगी। अब हम आते हैं 15वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में सबसे पहले चार फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। चार फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। दो फंदों का एक फंदा करने के बाद इस फंदे पे हम बबल बनाएंगे। जैसे हमने पहले सिलाइयों में बबल बनाया, उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करके हमने यहाँ पे ये बबल बना दिया। इसके बाद में हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे के तरफ से। इसके बाद हम ऊन आगे करके जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद तीन फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। इस तरह से तीन फंदे प्लेन सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। और जैसे 11वीं सिलाई को कंप्लीट किया था, उसी तरह से इस सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 16वीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी बुननी होगी। 16 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो इस तरह से आ रहा है। और आज का हमारा ट्यूटोरियल भी यहीं पे ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।